हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका अपने ही प्यारे से चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है मैकेनिक्स की बुक का, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी एक इवेंट को, जैसे एक कार मूव कर रही है, ठीक है, ये एक इवेंट हो गया, इसको हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी करें, ठीक है। जैसे हम इसको सड़क से देखें या किसी दूसरी मूविंग कार से देखें, ठीक है, तो इसकी स्टडी को, इनके बीच के रिलेशन को अगर हम निकालें एक इक्वेशन के थ्रू, जिसको हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस लेते हैं, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश लेते हैं, और एक पार्टिकल पी लेते हैं जिसके मोशन को स्टडी किया जा रहा है, एक इवेंट लेते हैं जिसके मोशन को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके मोशन में क्या रिलेशन होगा, जब हम उसको एस से देखेंगे और एस डैश से देखेंगे, वो निकालना ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दो तरह के कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर देखें, और इसमें हम जो है वो तीसरे तरह के कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारे पास जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में इंक्लाइंड है, ठीक है। तो व्हेन एस डैश इज इंक्लाइंड फ्रॉम एस, ठीक है, इंक्लाइंड का मतलब क्या है, वो उसके साथ में किसी एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है। जब एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष झुका हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो देखो हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, ठीक है, और ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड हो गई, ठीक है, और यहां पर जो है वो कोई पॉइंट है पी। तो इस पॉइंट पी के हम केवल दो कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड है एक बार के लिए, ठीक है, हम चीजों को सिंपल रखना चाहते हैं इसलिए इसके दो कोऑर्डिनेट में ही इंटरेस्टेड है। वो कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, एक्स कोऑर्डिनेट निकलता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है वो एक्स कोऑर्डिनेट को शो करती है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये जो वर्टिकल लाइन हमने खींची है ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए, भाई एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा और वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। अब इसी पॉइंट को हम जो है किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं जो कि किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है, ये हमारा दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये उसका एक्स एक्सिस हो गया, ये उसका वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। हमारा जो पहला फ्रेम था वो तो कुछ इस तरह से रखा हुआ था, ये पहला फ्रेम था, ये उसका एक्स था, ये उसका वाई था और ये उसका जेड था, ठीक है। अब हमने दूसरा फ्रेम उसके साथ में इंक्लाइंड रख दिया, हमारा पॉइंट पी ये है, ठीक है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एस डैश के रेस्पेक्ट में, ये जो हमारा एस डैश फ्रेम है इसके रेस्पेक्ट में कितने होंगे, तो एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ता है हमें, एक्स डायरेक्शन में ये एक्स डैश चलना पड़ता है, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ता है, तो वाई डायरेक्शन में ये वाई डैश चलना पड़ता है। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो हमें क्या करना है, इस एक्स डैश और वाई डैश और एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहां पर कि दोनों को एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमने दोनों को यहां पर एक साथ ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्स डैश वाई डैश मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिए, अब मैं यहां एक्स और वाई भी ड्रॉ कर देता हूं। तो आप देखो यहां पर एक्स क्या होगा, भाई एक्स मतलब एस फ्रेम में, तो ये एक्स फ्रेम में इस तक पहुंचने के लिए, पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हमें यहां से यहां तक चलना पड़ता है, तो ये हमारा एक्स हो गया, और इसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एस फ्रेम में जो वाई डायरेक्शन में जो है वो यहां से यहां तक चलना पड़ता है, तो ये हमारा वाई हो गया, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इसके बेसिस पे हमें एक्स डैश वाई डैश और एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, तो बड़ा ही इजी है, आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पॉइंट्स को कुछ नाम दे दें, ये पॉइंट हो गया ओ,
ये एंगल मान लो कितना एंगल पर झुका हुआ है, थीटा एंगल पर झुका हुआ है। ये पॉइंट हो गया मान लो ए, ये हो गया पॉइंट मान लो बी, ये पॉइंट पी है, ये सी हो गया, ये पॉइंट जो है वो डी हो गया मान लो, ये पॉइंट जो है वो ई हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम सबसे पहले जो है वाई डैश निकालते हैं, किसके टर्म में निकालते हैं, वाई के टर्म में निकालते हैं। तो आप देखो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में आप देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है, तो ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये दोनों जो है वो आमने सामने के एंगल है तो बराबर हो जाएंगे। फिर ये एंगल है हमारा 90, तो एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 होते, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इस डायग्राम से पहली चीज जो हमने निकाली वो क्या निकाली, हमें गिवन था, हमें गिवन था कि यहां पर हमारे पास ओ ए बी जो है, सॉरी बी ओ ए एंगल जो है वो कितना है, थीटा है, और हमें गिवन था कि ये एंगल ओ ए बी जो है वो 90 है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने कहा कि एंगल ओ बी ए जो है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। और फिर उसके बेसिस पे हमने कहा कि ये ट्राइंगल सॉरी एंगल पी बी सी बी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि एंगल बी पी सी बी जो है वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो है कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखो इन ट्राइंगल पी बी सी, जो त्रिभुज हमारे पास पी बी सी बन रहा है, उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें वाई डैश निकालना है। वाई डैश देखो इस एंगल, इस ट्राइंगल में जो है वो बेस का काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है। ठीक है, हमें किसी तरह से ये वैल्यू पी बी पता हो, अगर इस पी बी को हम कैलकुलेट कर लें तो हम ये वाई डैश निकाल सकते हैं। तो एक बार के लिए मान लो पी बी हमें पता है। ठीक है, तो पी बी यहाँ पर क्या हो गया, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो हमें कर्ण जो है वो पता है, और हमें जो है बेस यानी कि आधार निकालना है। ठीक है, तो आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा। तो हम लगाते हैं यहां पर कॉस थीटा बराबर में बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया पी सी, और हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस हो गया पी बी। तो पी सी अपॉन पी बी बराबर में कॉस थीटा। तो इसके बेसिस पर हम यहां पर पी सी जो है वो निकाल लेते हैं। पी सी बराबर में क्या हो जाएगा, पी बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, तो पी सी हमारा है क्या, पी सी यहां पर आप देख सकते हैं पी सी हमारा है वाई डैश। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वाई डैश बराबर में पी बी कॉस थीटा। ठीक है, ये इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखो कि हम ये पी बी को कैलकुलेट करते हैं, तो पी बी को कैसे कैलकुलेट करें, तो डायग्राम में आप देखो ये पी बी जो है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें पी ए पता है, पी ए क्या है यहाँ पर, वाई है, पी ए क्या है, वाई, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक वाई है। ठीक है, पी ए वाई है, पी ए बराबर वाई। और हम किसी तरह से ए बी निकाल लें तो हमारा जो पी बी होगा वो क्या हो जाएगा, पी ए माइनस ए बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर, ये आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ट्राइंगल ये निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए ट्राइंगल किसका यूज करेंगे, ओ ए बी का। तो ट्राइंगल ओ ए बी में, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में आपको एंगल पता है ओ ए, आप देखो कितना है, आप देखो गौर से, ये जो है वो एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ये लाइन एक्स है, तो ये इसके पैरेलल है, तो ओ ए बी कितना होगा, एक्स होगा। तो ओ ए हमें पता है एक्स के बराबर में है, हमें ए बी कैलकुलेट करना, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो इस ट्राइंगल में आप देखो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ओ ए क्या है, बेस, ये है लंब और ये है आधार। लंब आधार में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर, बेस में क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर में क्या होगा, ए बी अपॉन ओ ए। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारा जो ए बी है वो कितना आ जाएगा, ओ ए टेन थीटा।
ठीक है, OA कितना है x, तो x tan थीटा, तो हमारा AB आ गया x tan थीटा, ठीक है AB आ गया x tan थीटा, तो PB कितना हो जाएगा, यहां से देखो PB कितना हो जाएगा, PB कितना है PA माइनस AB, ठीक है, तो PA है हमारा y और उसमें से AB माइनस कर दे तो x tan थीटा, तो ये हमारा PB हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन वन के रिलेशन के बेस पर हम जो है दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, y डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो y डैश कितना आएगा यहां पर, देखो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y डैश आ जाता है हमारे पास PB cos थीटा था, तो PB की जगह पर आ गया y माइनस x tan थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो y डैश हमारा बन जाएगा y cos थीटा माइनस x tan थीटा cos थीटा, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सब बता सकते हैं इजीली, sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये साथ में cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो हमारे पास ये आ गया y cos थीटा माइनस x sin थीटा, तो ये y डैश की वैल्यू आ गई। तो अगर यहाँ y डैश क्या है, y डैश हमारा है इस s डैश फ्रेम से जो है इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, y डैश है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो S फ्रेम के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट और साथ में जो एंगल थीटा है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस x डैश को कैलकुलेट करते हैं, इस x डैश को कैलकुलेट करते हैं, तो x डैश कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप देखें यहाँ पर गौर से देखें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x डैश के ये पैरेलल लाइन, ये जो ब्लू लाइन जा रही है ये पैरेलल जा रही है, ठीक है, OC जो है वो x डैश के पैरेलल है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम डायग्राम हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो OC है वो x डैश है, ठीक है, OC हमारा x डैश के बराबर है, ठीक है, देख पा रहे हो आप आराम से, ये जो ब्लैक लाइन जा रही है ये लाइन इस OC के पैरेलल है और ये ब्लैक डिस्टेंस जो है वो ही क्या है, f डैश है, तो ये OC आप देखो इस डायग्राम से किसके बराबर में, OC जो होगी OB प्लस BC के बराबर में है, OC जो है OB प्लस BC के बराबर में है, ठीक है। अब यहां अगर हम OB और BC कैलकुलेट कर ले तो हमारा x डैश कैलकुलेट हो जाएगा, तो बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पहले आप इस ट्राइंगल OAB में आए, ठीक है, ट्राइंगल OAB, ठीक है, उसमें हमें OAB में क्या कैलकुलेट करना है, OB कैलकुलेट करना है और हमें OA पता है, OA कितना है x है, ठीक है, और वो एंगल हमें पता है थीटा है, तो यहां पर आप देखो OA x है और OB हमें निकालना है, ठीक है, ये एंगल आपको दिख रहा है यहां पर थीटा है, ठीक है, तो एंगल के लिए ये OA तो बेस का काम कर रहा है, आधार है OA और OB जो है हाइपोटेनस है, देखो 90 के सामने है OB, इसलिए हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है, तो आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है, cos थीटा का, ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई जो cos थीटा है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि OA अपॉन OB है, ठीक है, तो यहां सुविधा के लिए यहां बना देता हूं ये ट्राइंगल, ये हमारा OA था ये OB था, ठीक है, ये x है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो cos थीटा बराबर में x अपॉन OB हो जाएगा, OA की वैल्यू x हो गई, x अपॉन OB, ये हमारा cos थीटा आ गया, ठीक है, तो इससे हमारा OB कितना आ जाएगा, OB हमारा आ जाएगा x अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर, देखो ये पहले हमने इक्वेशन 2 दी थी, ये थर्ड हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। अब हम जो है वो OB के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, BC कैलकुलेट करना है, तो आप देखो BC के लिए ये ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ वापस, ये BC निकालना है हमें इस ट्राइंगल में जो है y डैश भी पता है, y भी पता है, हमें BC निकालना है और ये एंगल पता है थीटा है, ठीक है, तो मैं यहाँ ये
ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से है, हमें ये बी सी तो निकालना है, ये पी है और ये वाई डैश है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, हमें निकालना है ये बी सी। तो आप देखो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया बी सी, ये जो है अपना वो हाइपोटेनस हो गया क्योंकि ये 90 का एंगल है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया। और ये जो वाई डैश है वो वाई डैश हमना हमारा क्या हो गया आधार हो गया, तो ये परपेंडिकुलर बी सी जो है वो तो परपेंडिकुलर हो गया और पी सी जो है वो बेस हो गया, आधार और लंब, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है, इन ट्राइंगल पी बी सी टेन थीटा निकाल सकते हैं, तो टेन थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन पी सी, बी सी अपॉन पी सी, ठीक है। तो इससे बी सी हमारे पास आ जाएगा पी सी टेन थीटा, ठीक है, और ये पी सी जो है वो कितना है, पी सी हमारा वाई डैश है, और वाई डैश हम कैलकुलेट कर कर चुके हैं इक्वेशन थर्ड से, वो था वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है। तो ये था वाई डैश टेन थीटा और वाई डैश था इक्वेशन थर्ड से वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये इक्वेशन थर्ड से हम निकाल चुके हैं। और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो टेन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये वाई कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वाई कॉस थीटा टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस से कॉस गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। तो हमने BC भी कैलकुलेट कर लिया, हमने OB भी कैलकुलेट कर लिया, OB और BC को ऐड करेंगे तो हमारे पास OC यानी कि X डैश आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास X डैश जो है, X डैश जो है OB और BC को ऐड कर लेते हैं, OB प्लस BC, तो OB कितना आया था X अपॉन cos थीटा, ठीक है, और BC कितना आया y साइन थीटा माइनस, मैंने वापस इसको साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y साइन थीटा माइनस x साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो आप देखो कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इन दोनों में हम x अपॉन कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बचेगा वन, यहां से बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सबको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस वाई साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो ये बच गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया एक्स डैश, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप देखो हमने ये इक्वेशन निकाल ली, इस इक्वेशन को हम नंबर दे सकते हैं, इसको हमने दिया 5 और इसको हम दे देते हैं 6। तो इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 6 हमारे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को बताएगी। देखो इक्वेशन थर्ड जो थी वो क्या थी, वाई डैश बराबर में वाई डैश बराबर में क्या आया था हमारा, वाई डैश बराबर में वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, और x डैश बराबर में हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये जो दो इक्वेशंस बनी, ये दोनों इक्वेशन हमारे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन कहलाती है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x डैश y डैश लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स बन गई और राइट साइड में ये मैट्रिक्स बनेगी cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा cos थीटा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई से, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये इधर इसकी जो है वो रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो ये होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और ये होगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है
वो हमारी हो गई कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए हुआ, ये हुआ जब एक फ्रेम एस जो है वो हॉरिजॉन्टल है और दूसरा फ्रेम जो है उसके रेस्पेक्ट में किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, तब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये तीसरा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट।